हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। आज बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग प्रोसीजर की। एमसीसी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो बिल्कुल किसी से भी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं कोई पेड काउंसलिंग की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे और वीडियो आपको चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। आप चैनल मेडिजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप कानपुर या मेरठ से हैं तो आप सीधा ऑफिस में आके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अगर कानपुर के हैं या मेरठ के आसपास के हैं तो दोनों ही जगह हमारे ऑफिस हैं। आप ऑफिस में आके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज उन लोगों के लिए है जो दो से तीन महीने का पूरा सपोर्ट लेंगे, हमसे ही काउंसलिंग कराएंगे। बट काउंसलिंग सेशन आप आएंगे, आपको इतना समझा दिया जाएगा कि आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं। जो बच्चे आना चाहते हैं और जिनके लिए आना पॉसिबल है वो व्हाट्सअप करके एड्रेस ले सकते हैं ऑफिस का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एमसीसी काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। आप सभी लोग जानते हैं पूरे इंडिया के सभी स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ की 15% सीटें हैं, एम्स की 100% सीटें होती हैं। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ का भी सीट रहता है, एएमयू का भी सीट रहता है यहाँ पे 50%। ड्यू का पूरा सीट का काउंसलिंग यहीं से होता है। तो स्टेप क्या फॉलो करने पड़ते हैं आपको, ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है जो 1000 का होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस के केस में। ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी केस में 500 का होता है। और अगर आप डीम्ड की यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका 5000 का होता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो सिक्योरिटी आपको 10000 देनी पड़ेगी जनरल और ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी एससी एसटी 5000 देनी पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको 2,00,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। ये सबको देना पड़ता है, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं चलता है। तो अगर आप मैक्स फीस जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2,05,000 जमा कर देते हैं, आप सारी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी जब आप जमा कर लेते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग होती है और उसके बाद आप लास्ट में चॉइस को लॉक करते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका बेसिक डिटेल होता है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, ओटीपी वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करिएगा, सभी कॉलेज को चेक करें, उनके बॉन्ड क्या, उनके फ़ीस क्या। काफ़ी सरकारी कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके फ़ीस ज़्यादा हैं कुछ बच्चों के लिए, तो उनको चेक करके ही फिल करिएगा। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जो आपको डेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको। इसके बाद अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो राउंड वन आपका फ्री एग्ज़िट होता है, यानी कि आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी, आपकी सिक्योरिटी कैंसिल यहाँ पे नहीं होगी, ना ही गवर्नमेंट जब्त करेगी। रिपोर्टिंग के बाद ही अगर आप सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो फॉर्म आप कॉलेज में ही भर लेते हैं। ये आपके पहले राउंड का प्रोसीजर हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो उसके बाद राउंड टू काउंसलिंग होती है, आप फिर से चॉइस फिलिंग करते हैं। राउंड टू में ध्यान रखना है कि आपको कोई कॉलेज राउंड टू में मिल गया है और वो आपने ज्वाइन भी कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो भी रूल्स आपको बता रहा हूँ 2022 की काउंसलिंग के अनुसार बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ परिवर्तन होगा तो तुरंत आपको अपडेट मिलेगा। राउंड टू में अगर किसी मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है और आप वहाँ पे जाके फीस जमा कर देते हैं, मींस एडमिशन कंप्लीट कर लेते हैं। एडमिशन कंप्लीट करना किसको बोलते हैं, आपने फीस जमा कर दी, आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए राउंड टू की, इसी को अदर वर्ल्ड में ज्वाइनिंग करना भी बोलते हैं। तो राउंड टू में ज्वाइनिंग अगर कर ली फिर आप उस वर्ष किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, वही आपका अंतिम कॉलेज हो गया। चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। कोई परिवर्तन होगा 2023 के लिए वो आपको तुरंत नोटिफाई करेंगे। राउंड टू की एक्टिविटी के बाद मॉप अप राउंड होता है। अगर आपको राउंड टू में कोई कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइन ही नहीं किया तब क्या होगा, आपका ये 10000 है ये वापस नहीं मिलेगा, बट मॉप अप राउंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आप मॉप अप राउंड में दोबारा से पैसे जमा करके मॉप अप राउंड या आप राउंड थ्री बोल सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नया अपडेट जो आएगा तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।